दो दिवसीय दौरे पर संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर के दौरे पर पहुंची मेनका गांधी ने राहुल गांधी और उनकी टीम के कश्मीर दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग वहां कुछ ठीक करने नहीं बल्कि गड़बड़ करने जा रहे हैं। भाजपा सांसद मेनका गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में दो दिवसीय दौरे पर पहुंची हैं। लगभग 20 गांव में वो जनता से संपर्क कर रही हैं। अपने दौरे के पहले दिन मेनका गांधी दोस्तपुर ब्लॉक पहुंची, जहां जनता ने उनसे सीएससी में डॉक्टर के न रहने की शिकायत की, तो वो जनता के साथ सीएससी पहुंच गई। यहां डॉक्टर के न मौजूद रहने पर फोन पर डॉक्टर को जमकर लताड़ा। मुझे आपसे बहस नहीं करना है, अगर कल सुबह से आपका यहाँ नहीं होगा तो मैं देखती हूँ। इसके बाद मेनका गांधी अखंड नगर ब्लॉक पहुंची, जहां उन्होंने स्कूली बच्चों को ड्रेस वितरित किया और साथ ही उन्होंने निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप वृक्षारोपण भी किया। मेनका गांधी अपने इस कार्यक्रम में 46 लाख की लागत से एक वन स्टॉप सेंटर का भी शिलान्यास करेंगी, जो महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। हम एक नई चीज का शिलान्यास कर रहे हैं जो अभी 3-4 महीने में हो जाएगा, और वो है वन स्टॉप सेंटर जो औरतों के लिए है, जो औरतें पीड़ित हैं, जो कोई ना कोई मुश्किल से गुजर रही हैं, कोई उनके पीछे पड़ा है, कोई किसी उनको धमकी दे रहा है, कोई पति पीट रहा है, या कुछ भी ऐसे हो, तो वो इस सेंटर में जा कर के हम उनकी मदद करते हैं। तो ये हम लोग 46 लाख रुपए में बना रहे हैं और उसका अभी 3 महीने में तैयार हो जाएगा। हाल ही में कांग्रेसी नेता चिदंबरम के ऊपर हुई कार्यवाही पर मेनका गांधी ने कहा है कि जो भ्रष्ट हैं उनको एक एक करके पकड़ना जरूरी है। अब वो तो विपक्ष तो कहेगा ही कहेगा, मगर मैं कहती हूँ जो भी भ्रष्ट हैं उनमें से बहुत लिहाज किया है, अच्छा हुआ कि एक एक को पकड़ना चाहिए। आज कश्मीर में राहुल गांधी के साथ विपक्ष टीम के जाने पर पूछे गए सवाल पर मेनका गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि ये लोग वहां कुछ ठीक करने नहीं बल्कि गड़बड़ करने जा रहे हैं, और उन्होंने राहुल गांधी को भी नसीहत दी कि वो धैर्य रखें। मैं सोचती हूं कि अगर ये थोड़ा सा पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाए और थोड़ा सा धैर्य दिखाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तब जाकर के वो वहाँ जाए। वो जा रहे हैं ठीक करने के लिए नहीं, वो जा रहे हैं गड़बड़ करने के लिए। मेनका गांधी के आज पहले दिन के दौरे में ये सूचना आ गई थी कि भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का निधन हो गया है। ऐसे में मेनका गांधी ने न सिर्फ सबके साथ मौन रखा बल्कि अरुण जेटली को श्रद्धांजलि भी दी। सुल्तानपुर में 9:44 के लिए कैमरा पर्सन अशोक गौतम के साथ विपिन गौतम की रिपोर्ट। सच्चाई वही जो हम बताएं।